हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो है दो क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। मतलब आर्मी कंटिंजेंट के जो 616 मेंबर है उनको आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स के साथ जो है परेड करनी है। ठीक है, आगे कहता है, दी टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन दी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दो ग्रुप्स हैं, उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में जो है मार्च करना है। तो हमें क्या पूछा उसने, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स बनाए जा सकते हैं मार्च करने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो मेन इसका काम क्या है, एचसीएफ निकाल के बस हमें आंसर जो है इसका पता चल जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे हम इसको करेंगे। तो अभी हमें 616 एंड 32 का जो है एचसीएफ निकाल। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अभी 616 है जो 32 से ग्रेटर देन हो गया, या आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हैं 32 लेस देन 660। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको इसका एचसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मैं यहां से मिटा रहा हूं, बैक करके आप इसको नोट कर लेना। तो अभी हमें इसका एचसीएम निकालना था, तो क्या करेंगे, 616 हमारा क्या है, डिविडेंड है, और 32 क्या है हमारा डिवाइजर। मैंने ये आपको बताया था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन का फॉर्मूला था। इसको हमने शॉर्ट बनाने के लिए क्या लिखा था, डिविडेंड को ए माना था, डिवाइजर को बी, और कोशेंट को क्यू, और रिमाइंडर को आर। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया था। अभी हमको हमारा डिविडेंड है 616 और डिवाइजर है 32। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो 32 वन जा 32 और 32 टू जा कितना होता है 64। तो 64 तो ज्यादा होगा, तो किस पे जाएगा, फर्स्ट पे। तो 32 वन जा 32, तो 11 में से 2 निकाले 9 और 5 में से 3 निकाले 2। ठीक है, तो ये आ गया 29। तो अभी देखते हैं ये कितने पे जाएगा। तो ये पहले यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा साथ वाला, क्योंकि ये 32 से स्मॉल है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये कितने पे जाएगा। तो अगर मैं 8 से 8 पे करूं, 32 8 जा 8 दिया 24, 8 दुनी 16, तो कितना होगा 256। अगर 9 पे करें, 32 9 जा 9 दिया 27, 9 दुनी 18, तो ये 288। तो ये कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा। तो 32 9 जा कितना होता है, 32 9 जा 288, तो कितना आ गया, 16 में से 8 निकाले 8, और ये कितना आ गया, 8 ही रह गया। ठीक है, 8 ही रह गया ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 8। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने आपको चीज बताई थी ना, तो 616 ये हमारा डिविडेंड है, डिवाइजर कितना है हमारा 32, डिवाइजर कितना है 32, इंटू कोशेंट कितना आया था 19, और रिमाइंडर कितना आया है 8। ठीक है, अभी सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप के लिए क्या होगा, 8 जो हमारा रिमाइंडर आया था, तो 8 अभी हमारा डिवाइजर होगा, और 32 क्या होगा, डिविडेंड। ठीक है, जिन्होंने अभी तक ये इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया, वो आप जाके चेक जरूर करें, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 4 कितना होता है
32, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हमें मेन क्या चीज बतानी होती है, हमें रिमाइंडर को 0 बनाना होता है। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, इसमें डिविडेंड कितना आपका 32, यानी कि a, और डिवाइजर कितना था आपका 8, और क्वेश्चन कितना आया 4, और रिमाइंडर कितना आया है 0। ठीक है, तो हमारा ये स्टेप हो चुका है। अभी इसका HCF बताना था हमें, HCF था HCF ऑफ 616 and 32, तो कितना आएगा 8। कैसे आएगा, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज बताई थी कि लास्ट में जिस डिवाइजर के साथ, जिस डिवाइजर का यूज करके आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वो ही आपका आंसर होगा। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या हो, क्या था, 8 वाला स्टेप था, 8 का 8 डिवाइजर को यूज करके हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 आ गया, तो वही आपका आंसर होगा। तो उसने में अपने हमें क्या चीज पूछी थी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मर्ज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आ गया ना आपको, बस इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको HCF निकालना, बस मेन आपका ये फॉर्मूला है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का, इसको याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे।